Welcome to Vodafone Presents Comedy Circus Ke Super Stars. आज है हमारे रब ने बना दी जोड़ी स्पेशल और जोड़ी स्पेशल की शुरुआत होगी रब की बनाई ऐसी जोड़ी से जो वाकई मेड फॉर ईच अदर है. प्लीज वेलकम इंडियन टेलीविजन पर पहली बार अर्चना के साथ उन्हें और उनकी हंसी को 24/7 झेलने वाले बदमाश कंपनी के राइटर डायरेक्टर द वेरी हैंडसम एंड डैशिंग परमीत सेठी. थैंक यू. बहुत खुश होंगे आप एंड अनफॉर्चुनेटली दुखी भी. बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग, खुश इसलिए बिकॉज आज आप कॉमेडी सर्कस पे हैं, बहुत ढेर सारी मस्ती होने वाली है. दुखी इसलिए क्योंकि आज आपको पूरी शाम अर्चना के साथ बितानी है एंड विच इज ओके. टेल मी ऑनेस्टली, रब ने बना दी जोड़ी जेन्युइन? हमारी जोड़ी थोड़ी, हमारी तो तिकड़ी है. तिकड़ी? हाँ, दो के बराबर है. तो मैं अकेला है ना? आप दोनों में से किसने किसको प्रपोज किया? इट्स यू नो, इट्स लाइक अ मिस्ट्री. एक दिन भांग पी के मैंने प्रपोज किया था. बिट्टू, हेलो हेलो हेलो. और भांग पीकर मैंने हाँ भी की थी ना. क्या बात है, मतलब रब ने नहीं, भांग ने बना दी जोड़ी. एम आई राइट? भांग ने बना दी जोड़ी. आई मस्ट शेयर दिस विद यू दैट अर्चना ही है जिसने मुझे हंसना सिखाया है. So she's to actually make me cover my mouth like this and she's like, hansi jab tak aankhon tak na aaye tab tak you're not laughing properly. So yeah. so she made me laugh. Thank you so much for me. I hope you enjoy the rest of the show. Thank you. Aaj hai rab ne bana di jodi special, to bulaya jaye pehle jodi ko. हर वक्त अर्चना की हंसी सुनने की ताकत परमीत को कहाँ से मिलती है? बिना पेमेंट के भी कॉमेडी सर्कस में सब हंसते कैसे रहते हैं यार? ऐसे कई सारे सस्पेंस भरे सवालों का जवाब देने के लिए आ रही हैं इंडिया की सबसे फेमस जासूस जोड़ी करमचंद एंड किटी. प्लीज वेलकम द चैंपियन सलोनियस करमचंद एंड राजीव एस किटी. अर्चना, पहचाना मुझे? नहीं. कैसे पहचानोगी, मैंने फ्रूट चेंज कर लिया. आजकल एप्पल खाती हूँ. कमाल है, एप्पल वेज होता है फिर भी हंस रहे हो. मेरा कर्मू कहाँ है? कर्मू, प्लीज कम चंदू. नहीं, मुझे लूज मोशन हुई है, कुछ कर. कमाल है, लूज मोशन आपको मैं कैसे करूँ? अभी साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की है कि ऐसे कामों में पार्टनरशिप कर सकें. Kitty, you stupid. Stupid मत कहो, I'm not stupid. मैं यहाँ की सबसे हिट कलाकार हूँ, you know. घर घर में मेरे नाम की पार्टीज होती हैं, किटी पार्टीज, कभी सुना? अर्चना पार्टी होती हो, कभी भारती पार्टी होती हो. पार्टी से याद आया, केस नंबर वन. ओके सर. जाके ये पता करो कि भारत वर्ल्ड कप से बाहर कैसे हुए? हार कर. You stupid kitty. हमें हारने का वजह चाहिए. सर, lack of interest. गेम में? नहीं, कप में. अगर वहीं खंबा रखा होता ना तो 11 के 11 खिलाड़ी जीत के ले आते. तो पेट किटी, खिलाड़ियों के ना परफॉर्म करने का रीजन ढूंढ के लाओ. फाइन लेग्स सर. पार्टियों में फाइन लेग्स पे फील्डिंग करते रहे और मैदान में फाइन लेग्स पे कैच छोड़ते रहे. भारत बाहर. ऋतिक ने केस भेजा है कि धूम 3 में राजीव ठाकुर को क्यों लिया, उसको क्यों नहीं लिया? सर एक्चुअली यशराज ने ना ये फिल्म परमीत को दे दी है, तो परमीत को पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो किसी भी घटिया से घटिया एक्टर को भी लेके फिल्म हिट करा सकता है. वेरी गुड किटी, पहली बार तुमने अच्छी जासूसी की है. ओके सर. गाजर खाओ, ये लो. मेरी बेइज्जती पे ये बहुत खुश होते हैं सर. अच्छा ये बताओ, हम कॉमेडी सर्कस में किस चीज की जासूसी करने आए हैं? सर हम यहाँ पर ये पता करने आए हैं कि अर्चना को ज्यादा खुश कौन करता है, मतलब ज्यादा गंदे पंच कौन मारता है. किटी, मैंने पता कर लिया है. कौन? वीआईपी. जैसा उसका मुंह है वो गंदे पंच ही मार सकता है. यू नो, इसको प्रवचन करने के लिए बिठा दो ना तो हार पिक के कुल्ले करवाने पड़ते हैं. ओह गॉड. इसकी बीवी इतनी दुखी है, इतनी दुखी है इससे. जब प्यार करने जाता है ना उसे, तो वो आंखें बंद कर लेती है, कहती प्यार जितना मर्जी करो, बस आवाजें सलमान खान की निकालना. नंबर 4. ओह, हमें ये भी पता करना है. हाँ? कि लहरी जी की टाइमिंग इतनी अच्छी कैसे?
लहरी जी की खाक अच्छी टाइमिंग है, वो तो अपने अनपढ़ होने का फायदा उठाते हैं, बस गलत जगह पे कोमा लगाते हैं। परमीत जी एक बात बताऊं, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ अर्चना से पूछ के। अब आप ही बताओ इसमें पंच कहां है, सिर्फ कोमा ही गलत लगाया है। चलो फिरी, वो कोमा नहीं लगाते, उम्र इतनी ज्यादा हो गई है, सेंटेंस के रास्ते में ही थक जाते हैं। केस नंबर 5, राजीव ठाकुर का फोन आया था, उसे ये भी पता करना है कि कॉमेडी सर्कस के फाइनल में मैं हार क्यों जाता है। लोग तो ये जानना चाहते हैं कि फाइनल में पहुंच कैसे जाता है। आखिरी केस। ओके। हमें ये भी पता करना है कि अर्चना कुछ लोगों को ये क्यों बोलती है। I want to take you home. वो जिस पंच में ज्यादा हंसती है ना, एक्चुअली हंसने को तो पैसे मिलते हैं, घर इसलिए लेके जाती है कि पता कर सके पंच था क्या। किटी, जी जाके ये पता करो कि वो आज हमें घर लेकर जाएगी या नहीं। हमें कहां से घर लेके जाएगी, आज तो वो खुद घर वाले को बाहर घुमाने लाई हुई है। तो अर्चना, आई लाइक द एक्ट, थोड़ा थोड़ा बिगिनिंग में मुझे लगा कि ये क्या होने वाला है, लेकिन लेटर ऑन द एक्ट रियली वेंट अप एंड अप, एंड आई थिंक राजीव इस वाले एक्ट में तुम्हारी एनर्जी थी विच वॉज रियली कीपिंग इट अप। थैंक यू, थैंक यू, गुड वन। परमीत, राजीव, यू नो, एक इन कॉमेडी देर टू थ्री थिंग्स, एक होती है लाइंस जो आपकी लिखी जाती हैं, एक और एक होती है उसकी डिलीवरी, और एक होती है उसकी फिजिकैलिटी। इन दिस पर्टिकुलर एक्ट ऑल थ्री थिंग्स केम टुगेदर, विच इज़ वेरी वेरी वंडरफुल, फैंटास्टिक, आई जस्ट लव्ड इट, सुपर। थैंक यू। राजीव सलोनी ने अपने केसेस तो सॉल्व कर लिए, देखें चैलेंजर्स कपिल नताशा के लिए कौन सा केस लेकर आए हैं। रब ने बना दी जोड़ी में मैंने किया करमचंद का रोल, और मैंने किया किटी का रोल। एक ऐसी जोड़ी जिसे पूरा हिंदुस्तान चाहता था कि ना टूटे, पर टूट गई। कपिल और नताशा, अगर तुम्हें चैंपियन बनना है तो ऐसी जोड़ी का रोल करो जिसे पूरा हिंदुस्तान चाहता था ना जुड़े, फिर भी जुड़ गई। राजीव और सलोनी के चैलेंज को टक्कर दे थे द चैलेंजर्स, कपिल एज शोएब एंड नताशा एज सानिया। प्लीज गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। हाय अल्लाह, ये शोएब का इतना पुराना मकान, ऐसा लगता है जैसे ये मकान पहले बनवाया और फिर पाकिस्तान बना। खैर, आज वो रात आ गई जिसका हर लड़की को बेसब्री से इंतजार होता है, मतलब मेरी सुहाग रात। सानिया, ए सानिया, ए किधर मर गई तू? हाय हाय, ए सानिया किधर मर गई तू? अरे दादी जान, उस कमरे से इस कमरे तक क्या हिलती हुई लोकल में बैठकर आई हैं? अरे हिलती नहीं हूँ मैं, इस घर में जो लाइट आती है इसी जनरेटर से आती है। दादी जान, शोएब है कहाँ? हैं? शोएब है कहाँ? वो तो सो गया। इतनी जल्दी? नहीं, आज तो लेट सोया, 8 बजे। आपने उसे बताया नहीं आज हमारी सुहाग रात है? हैं? अरे सुहाग रात है आज हमारी। हाँ तो मोहल्ले को बताओगी क्या? उसे क्या, सारे मोहल्ले को बताए सुहाग रात है, और कुछ लोग तो रावलपिंडी से भी देखने आ रहे हैं। हाँ? हाय अल्लाह, सुहाग रात है, जुम्मा रात नहीं। जाइए जगाइए उसे। जगा देती हूँ, बड़ी आखर आई तेरी जवानी को। हैं? ये ले, ठहर जा, ज्यादा पिएगा तेरा ही दिमाग खराब करेगा। ये जब वो आएगा ना शोएब, तो उसको पिला दियो, भूलना मत, हैं? याद से पिला दियो। दूध? हाँ। छोटा बच्चा है क्या कि उठकर दूध मांगेगा? बेटा जवाब तो मैं तुझे इसका दे देती, पर मैं नहीं चाहती बुढ़िया के मुंह से लोग डबल मीनिंग बातें सुने। सुहाग रात अच्छे तरीके से मनाना, और किसी चीज की जरूरत पड़े तो मेरे को ना बुलाना, हैं? मैं खुद बिजी होने जा रही हूँ तेरे दादा जान के साथ। जाती हूँ मैं। हाँ, हाय। आ गए तुम? बाहर ही हूँ भी। सोई नहीं अभी तक? नहीं,
आज हमारी सुहाग रात है ना, इसलिए। ओह सॉरी सॉरी यार, तभी मोहल्ले वाले बता रहे थे आज कुछ है, दिमाग में नहीं रहता। चलो सुहाग रात मनाते हैं, चलो लेट हो रहे हैं। दूध पी लो। नहीं मैंने अभी मैगी खाई। पी लो, रसम है। कभी बोलती है दूध है, कभी रसम है, चेक कर ले पहले है क्या ये। अच्छा फिर मुझे नहीं पता क्या है वो, तुम्हारी हिलती हुई दादी देकर गई है अभी। दादी देकर गई है? रख इसको नीचे, नीचे रख। हाथ मत लगाना इस चीज को, ऐसी चीज दादी ने दादू को पिलाई थी सुहागरात वाले दिन। मेरे अब्बा और मेरी फूफी मिला के 22 भाई बहन है। अभी वो बुड्ढे को जो जीरो से बांध के रखा हमने। पीना मत दादी की चीज। अरे छोड़े यार, बता रहे यार, काम करने दो कोई। हाँ घूंघट तो निकाल, पहले उठाऊंगा क्या मैं? निकाल रही हूँ ना, एक मिनट। हेलो। हेलो सर, मैं चैनल से बोल रही हूँ, आप इस बार का नच बलिए करना चाहेंगे? मैडम इधर मेरा टच बलिए होने जा रहा है, आपको नच बलिए पड़ी है? सुबह फोन करना मेरे को। हाँ, नच बलिए करना है अगले 20 सालों में। हेलो सर, मैं वोडाफोन से मीतल बोल रही हूँ। 6 महीने से आपने अपना बिल नहीं दिया, हम आपके फोन का कनेक्शन काट रहे हैं। मेरा इधर कनेक्शन जुड़ नहीं रहा, तो कनेक्शन काटने की बात कर रही है? स्क्रीन पर तो गंदी गाली दे रहा तुझे मैं। तुम ये फोन बंद क्यों नहीं कर देते? बंद कहाँ से करूँ साला, नेटवर्क नहीं आ रहा है। शोएब। हाँ। मुझे नहीं लगता हम यहाँ सुहागरात मना पाएंगे, हमें कहीं बाहर चलना चाहिए। पागल है, गली में अच्छा लगता है ऐसे? सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं। बाहर मतलब कहीं बाहर, स्विट्जरलैंड। ये किधर पड़ता है? तुम कभी स्विट्जरलैंड नहीं गए? उधर कभी मैच ही नहीं हुआ हमारा, नहीं कहाँ कहाँ से जाऊँ। अपने पैसे से चले जाते कंजूस। अपने पैसे से हमारा प्रधानमंत्री नहीं घूमता, हम कहाँ से घूमेंगे? अच्छा तो फिर तुम्हारा ये प्रधानमंत्री हर 2 दिन के बाद अमेरिका कैसे पहुंच जाता है? वो तो ओबामा भाई टिकट भेजते हैं। ओबामा नहीं मिले तो थामा भेज देता है। और पिछली बार तो दोनों ही नहीं थे, पता है तुझे? फिर क्या हमारे प्रधानमंत्री ने तुम्हारे प्रधानमंत्री को फोन किया, बोले सरदार जी जाते जाते हमें पिक कर लेना। चलो शेप जाने दो, ये बताओ कि पेरिस कैसा है? पेरिस ग्रेट एरिया, गुड। तो फिर वहां चलते हैं ना। अच्छा तो शाहरुख का बंगला है, उधर चले जाएं हनीमून मनाने। चलो कोई बात नहीं, बैंकॉक तो ले जा ही सकते हो ना। बैंकॉक ये मेरे को पता है। हेलो अर्शद भाई, एक बैंकॉक का टिकट निकालना सस्ती सी फ्लाइट देख के। हाँ थोड़ा नीचा उड़ती हो चलेगी। खाना घर से ले जाएंगे, कोई बात नहीं, तू टिकट बुक कर। हाँ लिख, नाम लिख, शोएब मलिक, उम्र 38, में से 10 कम 28। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू भाई, हो गया। हाँ हो गया, बस एक टिकट, मेरी टिकट। भाई साहब मथुरा घूमने जाते हो तो पेड़े क्या घर से लेके जाते हो? नाराज मत हो सोनिया, देख नाराज मत हो मेरी बात। अच्छा तुझे फॉरन घूमना है ना, श्रीलंका चलते हैं। श्रीलंका? हाँ। वहाँ क्या है? अरे वहाँ मलिंगा मैच खेलने गया, उसका घर खाली, मजे करेंगे। मेरी फूटी किस्मत जो मैंने तुमसे शादी की, और एक ही जगह, तुम्हारे यहाँ के लोग जब देखो मुझे घूर घूर कर देखते रहते हैं, जैसे कभी कोई लड़की नहीं देखी। इनका गुस्सा मत कर सानिया, ये पाकिस्तान है, ये इन लोगों को आदत है इंडिया का पायरेटेड माल देखने की। अभी तो उनको ओरिजिनल देखने को मिल रहा है, सालों की आंखें निकल आई हैं। माल? अपनी बीवी को माल कहते हुए शर्म नहीं आती? यू लेफ्ट हैंड बेशरम। लोग कह रहे हैं आजकल शोएब सानिया से शादी करके बड़ा माल कमा रहा है, मैं अकेला भी बोल रहा हूँ। वो तो कहेंगे ही ना, हमारी शादी के कार्ड तुमने 15,000 में जो बेचे। तो और क्या करता, नहीं बेचता क्या? यहाँ के लोगों का एक ही असूल है, जहाँ मिला लंगर बुझा ली अपनी हंगर। घटिया हरकतें करते साले। पर घटिया हरकत तो तुमने भी की है। क्यों, क्या किया मैंने? हमारे शादी की वीडियो तुमने मीडिया वालों को जो बेची। तू बिक रही थी, नहीं बेचता क्या? 5 करोड़ मिला पूरा वीडियो का, 5 करोड़। वो तो मेरी वजह से मिला है। 1500 रुपया नहीं दे रहा था तेरा कोई।
5 करोड़ मिला है। 2000 में भी नहीं मान रहे थे वो लोग। मैंने उनको बोला कि 2-4 सीन सुहागरात के डाल दूंगा तब 5 करोड़ में बात बनी। बदतमीज इंसान, तुम तो इतने घटिया हो कि अपने फेसबुक प्रोफाइल पे भी तेंदुलकर की फोटो डाली है, अपनी नहीं। अब जो मार्केट में चल रहा है वही करेंगे, वो चल रहा है उसकी डाल दी मैंने, तू भी तो चल रही, तेरे को कॉमेडी सर्कल में रख लिया मैंने। चल छोड़, जजिस से पूछते हैं हम लोग आज कितना चल रहे। तो अर्चना, चैलेंजर्स चैलेंज पर खरे उतरे? कपिल, आपकी फिजिकैलिटी, आपकी टाइमिंग is impeccable and I think you're a great talent. You. Natasha, you were great support, but I think this act belongs to Kapil. Overall, the act was very nice. Kapil, you were just brilliant. I definitely feel ke beech mein thode se punches bhi thode se itne acche nahi the, but jahan pe acche the wahan bahut zyada acche the. So I think on average it is very good. Thank you, judges. Thank you. Badhte hain champions ke scores ki taraf. Champions, are we ready? तो चैंपियंस के स्कोर्स आ चुके हैं। थैंक यू सो मच कपिल एंड नताशा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीज चैलेंजर्स। कहते हैं जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, लेकिन इनकी जोड़ी बर्थडे पार्टी में बनी। जन्म जन्म के प्रेमी मिका और राखी आज फिर मिल रहे हैं यहाँ। प्लीज वेलकम द चैंपियंस, कृष्णा एज राखी एंड सुदेश एज मिका। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। सुरेंद्र भाई, सत श्रीकाल। एक तो यार मेरे में ना अक्कड़ बड़ी है, निकल गई। मुझे पता चला भी आज जोड़ियों का प्रोग्राम है। कई जोड़ियां बनती हैं आंख से आंख मिला के, और कई होती हैं हाथ से हाथ मिला के, और मेरी कैसे बनी है आपको बताइए। और आखिर और मैं थप्पड़ मारो आखिर, ये क्या कर रहे तू? एक्ट उठाने के लिए इतना जोर से डांस ना कर, अगर तेरे बॉडी के कोई पार्ट्स गिर गए ना फिर बहुत टाइम लगे ना उठाने के लिए। ए सिंगरों के इमरान हाशमी, तू यहाँ क्या कर रहा है? परमीत भाई देख लो, आते ही करने कराने वाली बातें शुरू कर दी इसने। परमीत, तुमने मुझे अपनी फिल्म में क्यों नहीं लिया? यार कमाल है, उसने अपनी बीवी अर्चना को नहीं लिया तो तू क्या चीज है? अरे कैसे लेगा उसे अपनी फिल्म में, जज का रोल तो था ही नहीं फिल्म में। परमीत सच्ची बोलूं, अगर मुझे आप अपनी फिल्म में ले लेते ना तो मैं ऐसा डांस करती कि सेट पे पैसे का इतना कलेक्शन हो जाता कि यश जी को आप फाइनेंस कर रहे होते अगली टाइम। और पता है फिल्म का नाम क्या होता? तुझे तो पता है ना कि मैं कितना अच्छा डांस करती हूँ। मुझे क्या पता, जब भी तो मुझे मिली है कभी अपना डांस तो दिखाया ही नहीं तूने। टेलीविजन पे सारी दुनिया मेरा डांस देख रही है, मेरे शो में। कौन सा शो है तेरा? जरा नच के दिखाओ। तो फिर जरा सा नचा करना, इतना क्यों नाच दिया तू? हैं डांस करते करते कभी मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ। तूने कभी मुझे बताया नहीं तू डांस करते करते भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ए, डबल मीनिंग नहीं, सॉरी यहाँ अली स्वप्निल, डबल मीनिंग करने का सिर्फ तुम लोग का राइट है। उन्होंने कभी माफी मांगी है कभी? अगर गलती से भी उन्होंने वेज जोक सुना दिया हो तो? हाँ? ये क्या माफी मांगेंगे, इन लोगों ने मुझसे ऐसी चीज मांगी थी। हेलो, जो मैं बता नहीं सकती। इधर आ, कैमरे के सामने रहा कर, क्या मांगी थी? कहा ना बता नहीं सकती। चलो फिर इन लोगों की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, इन्होंने इतनी घटिया चीज मांग ली, अकल नहीं है तेरे को? अबे मैं किस की बात कर रही हूँ? अच्छा अच्छा अच्छा, देखो भाई यहाँ किस मांगना मना है, यहाँ पे सेल्फ सर्विस है। समझ आएगी नहीं? उठो ले लो। 2 दिन मैं लाइन पे लगा रहा हूँ तब मेरी बारी आई थी। आप सबको बहुत बहुत मुबारक भाई, आज मैं 25 साल का हो गया हूँ। जोरदार तालियां। 25 साल का तो तू लगता ही नहीं है। और मैंने रातें नहीं ना जोड़ी। पागल कहीं का, क्या बकवास कर रही है तू? सॉरी आवाज निकल गई वैसी, क्या करें, ऊपर से भले लड़की का गेटअप हो लेकिन अंदर से तो लड़के का ही सेटअप है ना। क्यों अर्चना जी? ये तेरा एक बॉयफ्रेंड था ना अभिषेक, वो आजकल तेरे साथ शो कर रहा,
मैं तो उसके साथ बहुत शो कर चुकी हूँ। हाँ वो तो किए ही होंगे। ए, मैं टेलीविजन शो की बात कर रही हूँ। यार शादी की बात जा रही है, बीच में टेलीविजन कहाँ से आ गया? क्योंकि टेलीविजन पे मेरी शादी हुई थी ना। अच्छा अच्छा, वैसे मेरे बारे में क्या ख्याल है, शादी हो जाए? लुच्चा लफंगा कमीना, तेरे जैसा आदमी तो सिर्फ मेरे लिए पैदा हो सकता है ना। बहुत रात से मुझे तुझे बात कहनी थी। हो जाए, शादी कर ले, फॉर्मेलिटी पूरी करें। चलो। और राखी, तेरे होंठ मेरे मुंह में रह गए। ओ सॉरी, थैंक यू। अर्चना, जिस एनर्जी और जिस एंथुजियाज्म और जिस डेडिकेशन के साथ आप दोनों हमेशा स्टेज पर आते हैं, दैट इज ऑलवेज वंडरफुल। इट इज नॉट योर बेस्ट, बट इट्स अ वेरी गुड एक्ट। परनीत, आपकी एनर्जी ने एक्चुअली इस एक्ट को उठाया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये लाइन्स और राइटिंग की वजह से हुआ है, दिस इज बेसिकली बिकॉज यू ऑल डिड योर जॉब बेटर देन द स्क्रिप्ट। थैंक यू जजेस। दोस्तों, जोरदार तालियां सुदेश और कृष्णा के लिए। कृष्णा सुदेश ने तो अपनी जोड़ी की शक्ति दिखा दी, अब देखें वो सुनील और प्रिया की जोड़ी को क्या चैलेंज देते हैं। हमने की इस युग की सबसे बदनाम जोड़ी। मैं देती हूँ तुमको एकदम रिवर्स, तुम करो पुराने युग की सबसे फेमस जोड़ी करके बताओ नो। अरे जोड़ी क्या, तुम जोड़ियां कर लो तभी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, क्योंकि ये तो पहले से बिगड़ा हुआ है। कृष्णा सुदेश के चैलेंज को सॉलिड टक्कर देने आ रहे हैं द चैलेंजर्स प्रिया एज चंद्रमुखी एंड सुनील पाल एज वेरियस देवदास। ए भाई, ए भाई, ए भाई, आंखें खोलो, भाभी है यहाँ पर। लगता है इसने हमें पहचाना नहीं है। हम दिलीप कुमार है, 1950 के देवदास। आज हम बहुत दुखी हैं। क्यों? आज हमने गलती से अपने पैरों को छू लिया था। उसे डर लग रहा है कहीं वो हमारे बच्चे की माँ न बन जाए। हट पागल, छूने से भी कभी कोई औरत माँ बनती है क्या? भाई हमारे जमाने में तो बन जाया करती थी। आज तुम्हें देखकर एक शेर कहने का दिल कह रहा है। हाँ। कभी किसी को जहाँ मौका मिल नहीं मिलता। अरे जोर से बोलो। अबे कभी किसी को जहाँ मुकम्मल नहीं मिलता। ये शायरी है धमकी? जहाँ ठंड लगी हो वहाँ कंबल नहीं मिलता। और शराब के लिए हर जगह झुक जाता हूँ मैं, मुझे सा इंसान तो कहीं हम्बल नहीं मिलता। अभी यहाँ से जाओ वरना उसी कंबल में लपेट कर चंबल भेज दूंगी। अरे बदतमीज लड़की है, आए भाई शायन बकी जाए। चली जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ हमारी नजरों से, चली जाओ यहाँ से, गेट आउट। अजीब कैरेक्टर है, गेट आउट बोल के खुद ही गेट आउट हो गया। एनीवेज, जब धरती पे इरिटेट करने वाले बढ़ते हैं तब तब उन्हें रुलाने के लिए एक बादशाह पैदा होता है, उसे लोग शाहरुख खान कहते हैं। एक राजीव था शाना सा, चोरी चोरी पंसे चुराया करता था। ये कॉमेडी कैसे होती है? ये कॉमेडी कैसे होती है? ये पंचेस कहाँ से आते हैं? वो चुपके चुपके सलोनी से पूछा करता था और सलोनी कहती थी, सलोनी अरे अरे ये तो गिर गया। हाँ ना 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 ना, जो पी के गिर जाए और गिर के संभल जाए उसी को देवदास कहते हैं। ये वायलिन, आप वायलिन प्लेयर है? नहीं तो क्या तुम्हें मैं क्रिकेट प्लेयर नजर आ रहा हूँ? नहीं, वो सौरभ के साथ आपका, सौरभ का नाम मतलब हो। उसके साथ तो मेरा एक ऐसा रिश्ता है जो तुम तो क्या गौरी और करण भी नहीं जानते। कौन सा? इंसानियत का रिश्ता।
लेकिन मैं आपके साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकती। क्यों? क्योंकि मुझे कोई रिस्पेक्ट वाला चाहिए, सिक्स पैक वाला नहीं। तुम मुझे प्लीज छोड़ दो। गौरी ने कहा करण को छोड़ दो। बाबूजी ने कहा क्रिकेट छोड़ दो। सबने कहा अपना छोड़ दो। और अब मैं कह रही हूँ स्टेज छोड़ दो वरना लेंथ बढ़ जाएगी। जाओ अभी। देख लूंगा तुम्हें। देख लूंगा। कैसे कैसे कैरेक्टर्स आ रहे मुझे डिस्टर्ब कर रहे। देवा मेरे देवदास को भेजो ना। देवा ओ देवा। जिया हो जिया कुछ बोल दो। कौन है जो देव का दास बनना चाहता है? आपको कैसे पता चला? बाहर से। लेकिन आप बाहर क्या कर रहे थे? हाँ दुनिया जानती है कि देवानंद सदा बाहर था, सदा बाहर है और सदा बाहर रहेगा। लेकिन ये बताओ कि तुमने हरे कपड़े क्यों पहने? क्योंकि देवानंद एवर ग्रीन है। और यहाँ भी मैं आज सबको हरा दूंगा। ये लो हरा, ये लो हरा, ये लो हरा। अर्चना तुम इस बात की गवाह हो कि मैंने यहाँ सबको हरा दिया। तुम्हारे लिए भी कुछ लाया हूँ। ये लो हरा। तो अर्चना सुनील और प्रिया चैलेंज पूरा कर पाए? सुनील जी आपने देवानंद के अंदाज में जो देवदास किया था, दैट वाज रियली अमेजिंग। ऑल इन ऑल एन एंजॉयबल एक्ट। आई वोंट से आप ऑफ कोर्स यू कैन डू बेटर बट इट वाज वेरी गुड। परमीत कुछ नयापन था इसमें। कुछ जगह पे पंचेस कम थे लेकिन आई थिंक ओवरऑल एक्ट वाज क्वाइट सैटिस्फैक्टरी। तो चैंपियन से पूछते हैं। चैंपियंस आर वी रेडी फॉर द स्कोर्स? दोस्तों चैंपियंस के स्कोर्स आ चुके हैं। जोरदार तालियां एक बार फिर चैलेंजर्स सुनील और प्रिया के लिए। और अब नेशनल टेलीविजन पर पहली बार अर्चना और परमीत के घर की बात। कॉमेडी सर्कस आपको लेकर जा रहा है अर्चना और परमीत के घर, वो भी लाइव। प्लीज वेलकम द चैंपियंस भारती एज अर्चना एंड परेश एज परमीत। जब से नया शो शुरू हुआ है स्पॉन्सर इतने चलाक है कि फ्री के हिप्पो खा दी थी, स्पॉन्सर ही चेंज कर दिया। अब क्या मैं वोडाफोन की सिम खाऊं? यही खा लेती हूँ। रामू जी, रामू जी, ओह आई एम सो सॉरी, रामू को तो मैंने छुट्टी दी है। परमू, परमू, ओह माय गॉड, जब से ये डायरेक्टर बना है घर के काम करने तो भूल ही गया है। परमू तुम्हारे इस गाने में नाचने की हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि मेरी फिल्म हिट है इसलिए मैं तुम्हारे इशारों पे अब नहीं नाचने वाला। अच्छा तो तुम्हें क्या बूगी बूगी में भिजवाऊं? देखो अर्चना आज मेरा झगड़ा करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। तो अच्छा आपके मुहूर्त देख के झगड़ा करूं? लेकिन आज तुम मुझसे झगड़ा करना ही क्यों चाहती हो? मैं आज फ्री थी, सोचा कुछ तो करूं। मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। मैंने अपनी अगली फिल्म खुद प्रोड्यूस करने का फैसला किया है। ओ परमू इसे फैसला नहीं बर्बाद ही कहते हैं। मतलब? मतलब क्या परमू, तुम अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। देखो तुम एक फिल्म बनाने जा रहे हो, कोई रियलिटी शो नहीं। जो आर्टिस्ट को पैसे दिए तो दिए वरना जाने दो। सही है, ये बात भी सही है। देखो अर्चना मैंने आज तक तुम्हारी कोई बात टाली है? टाली? टाली से मुझे याद आया हा? कितने दिन हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए। तुम तो फिल्मों के चक्कर में घूम आते हो। हाँ लेकिन अर्चना इस बार तो मैंने सिर्फ शूटिंग ही की। तो क्या हुआ इस बार ने फिल्म तो अच्छी बन गई ना। लेकिन नेक्स्ट टाइम शूटिंग पे मैं भी चलूंगी। ओफो अर्चना मैं तो तुम्हें इस बार भी ले जाता। लेकिन क्या है कि तुम थोड़ी मोटी हो गई हो। आज मेरे नाश्ते में 8-10 पराठे ज्यादा क्या खा लिए, तुम्हें मैं मोटी लगने लगी। देखो देखो अब गुस्सा मत करो, मेरा कहने का मतलब है तुम मुझे देखो इस उम्र में भी कितना फिट हूं मैं। अरे जरा सा भी फैट नहीं है मेरी बॉडी में। परमू फैट कहां से होगा, बॉडी है। कितने पतले हो गए हो, कहीं 4 बार जाते हो फिर बूढ़े पहुंचते हो। फिर भी लोग कहते हैं परमीत जी तो आगे, ये शेट्टी साहब कहां रह गए। परमू कितने दिन हो गए।
अर्जु तुम गलत वक्त पे रोमांटिक हो रही हो हाँ? ओ, पर मुँह रोमांटिक होके कुछ गलत करने से अच्छा तुम यही है ना? मैं कुछ समझा नहीं। मैं भी नहीं समझी थी। एक्चुअली ये लाइन ना हमारे कॉमेडी सर्कस में किसी ने कही थी। मुझे पता है और तुम इस लाइन पे जरूर छप्पर फाड़ के हंसी होगी ना। तुम्हें कैसे पता? अरे ऐसी फालतू लाइन पे इंडिया में सिर्फ तुम ही हंस सकती हो। देखो वो भी हंस रही है। पारवू, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है मुझे हर तीसरी लाइन पे हंसना पड़ता है। लेकिन आप क्यों हंस रही हो? ये तीसरी लाइन थी। मुझे ऐसे ही हंसना पड़ेगा वरना घर कैसे चलेगा? खुद तो फिल्में बनाने में बिजी रहती हूँ, घर तो मुझे ही चलाना पड़ता है ना। और मुझसे पूछो कैसे चलाती हूँ मैं घर तुम्हारे उन चंद लाखों रुपए में। अरे तुम्हारे लिए तो करोड़ रुपया भी चंद ही है ना। पर मैं कसम से परेशान हो गया हूँ तुम्हारी अर्चना से यार। इसका नाम अर्चना नहीं खर्चना होना चाहिए था। परमू, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती। ओ, देखो अर्चु चलो हम झगड़ा नहीं करते। देखो मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या? मेरी अगली फिल्म में तुम भी एक रोल कर रही हो। परमू, I love you, परमू। तुमने तो मेरा मूड ठीक कर दिया। अच्छा बताओ क्या हूँ तुम्हारी अगली फिल्म में? देखो क्या है कि मेरा फाइट मास्टर छुट्टी पे है। तुम वो रोल करोगी? मारना नहीं। परमू, I love you, परमू। इधर आओ ना, डर क्यों रहे हो? मैं जानती थी कि मेरा पति मेरे टैलेंट को पहचानेगा। Oh my God, आज मुझे मेरे मन का काम मिला। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं फाइट मास्टर बनना चाहती थी? अब पति से बेहतर कौन जान सकता है कि उसकी पत्नी कितनी बड़ी फाइट मास्टर है? परमू! Oh my God, कितने वो है, मजाक भी नहीं समझते। जरा सा टच किया और गिर गए। एक्चुअली ये सस्ते बजट का परमू था, असली परमू तो वो बैठा है। ओ परमू, यू लुकिंग वेरी हैंडसम, आई वांट टू टेक यू होम। थैंक यू। तो परमीत, इसमें कितना सच था? सच बताइए। कंप्लीटली सच था। बट लेट मी जस्ट से वन थिंग, भारती, forget anybody else, I want to leave her here and take you home. Very sweet, nice, good act, and I was very happy with it. Thank you. Archana, it's a huge compliment ki ek pura act aapne Parmeet aur Archana pe kiya, and thode punches even better ho sakte the. Agar aap piche makeup room mein aayenge to hum aapko asliyat batayenge un par aap kitne badhiya punches bana sakenge. Waqai mein, but a good act. Thank you, judges. Ladies and gentlemen, जोरदार तालियां champions परेश और भारती के लिए। कॉमेडी सर्कस के कारण आज पहली बार गब्बर का सांभा आ गया है तीली से नीचे। प्लीज वेलकम द चैंपियंस स्वप्निल एज गब्बर एंड अली एज सांभा। ए छोकरिया, जरा सी उंगली क्या दे दी, तू तो घर चलने को तैयार हो गई रे। चल बैठ। सरदार, 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 आपके टूथपेस्ट में नमक है? हरामजादे, पहले ये बता तेरे पजामे में नाड़ा है? मजाक कर रहे हो सरदार? शुरू किसने किया? ये बहुत पुराना पंच है सरदार। हरामजादे, अगर स्क्रिप्ट टाइम पे नहीं बनेगी तो पुराने पंच यूज होंगे ना। तू तो हमेशा वहां रहता है, वहां टीले पर, नीचे कैसे आ गया तू? सरदार, जब बड़े बड़े स्टार नीचे आ गए तो मैं क्या हूँ सरदार? हरामजादे, बात तेरी और मेरी चल रही है, चंकी पांडे को बीच में क्यों लाता है? ये बता कितनी गोलियां है इसमें? सरदार चेक करना पड़ेगा सरदार, लेट मी सी। सात गोलियां सरकार। हरामजादे खाने छे और गोली सात, एक जुड़वा है। साले गोली है या अली असगर का पंच, इसमें भी डबल मीनिंग। बहुत नाइंसाफी है, एक आदमी और सात गोली। आ
गोलियां क्यों वेस्ट कर रहे हो सालो? आदमी बढ़ा दो। वैसे भी आज की डेट में गोलियां महंगी और आदमी सस्ते हो गए हैं। मैं खुद बड़े सस्ते में ये शो कर रहा हूँ, 300 रुपए पर डे। 300 रुपए? हाँ। ये पकड़ो। 600 रुपए पर डे में तो मैं आया हूँ, आज से सरदार मैं हूँ। अर्चना, कैसी लगी हमारी गब्बर और सांभा की ये अनोखी जोड़ी? आप दोनों का टैलेंट है, ऑफ कोर्स क्रिएटिव टीम का भी टैलेंट है, लेकिन इस एक्ट में वो मुझे नजर नहीं आया। चैलेंजर्स, अब आप देख सकते हैं कि फॉल्टरिंग कहीं भी हो सकती है, चैंपियंस आर नॉट इनफैलिबल। सो चैंपियंस, अगर आप उस कुर्सी पर बैठे हैं तो यू गिव समथिंग विच इज एटलीस्ट इफ नॉट फ्लॉलेस बट एटलीस्ट ऑफ दैट लेवल। दिस वॉज नॉट दैट लेवल, सॉरी। द बेस्ट थिंग आई लाइक्ड इन दैट, जो सांभा को जो आपने ट्रिब्यूट दी वो मुझे अच्छी लगी। इसको एक बुरे सपने की तरह भूल जाओ और आगे चलो। सर, थैंक यू। थैंक यू। अली और स्वप्निल ने तो अपना परफॉर्मेंस दे दिया, आइए देखते हैं चैलेंजर्स वीआईपी और सूरज को क्या चैलेंज देते हैं वो। सूरज और वीआईपी, हम तो जय और वीरू को पकड़ नहीं पाए, लेकिन अगर तुम चैंपियन बनना चाहते हो तो जय या वीरू में से किसी एक एक्टर को पकड़ो और हमें हंसा के दिखाओ। अली और स्वप्निल के चैलेंज को पूरा करने आ रहे हैं द चैलेंजर्स वीआईपी एज अमिताभ एंड सूरज एज अमर सिंह। प्रणाम बड़े भैया। अमर सिंह जी, आप ये बताइए कि आप यहाँ आए किस लिए हैं? बड़े भैया, हम पॉलिटिक्स छोड़कर बॉलीवुड में घुसना चाहते हैं। बॉलीवुड में? बॉलीवुड? अमर सिंह जी, आप ठीक तो हैं? दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? आप बॉलीवुड में क्यों आना चाहते हैं? हैं बड़े भैया, बॉलीवुड हमारा फैशन है, हमारा पैशन है, हमारा टशन है और मेरा राशन है। हाँ? अरे भाई, हम इस सदी के महानायक हैं। हैं तो हम भी पार्टी के महासचिव हूँ। हूँ मतलब? मतलब था, मतलब से हमको बाबूजी की कविता याद आ रही। हो बाबूजी, तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ, मलेरिया से बचना हो तो लगाओ मच्छरदानियाँ। ये घटिया कविता हमारे बाबूजी ने कब लिखी? हैं? आपके बाबूजी की नहीं, हमारे बाबूजी की है। उनकी हो सकती है। बड़े भैया, अमर सिंह जी, आप समझने की कोशिश कीजिए भाई। देखिए, अब फिल्म इंडस्ट्री में और पॉलिटिक्स में बहुत फर्क होता है भाई। आप ये बताइए कि आप बॉलीवुड में आकर करेंगे क्या? बड़े भैया, हम एक्टिंग करेंगे, एक्टिंग। ये सब तब चलेगा जब आपके बाबूजी खुद प्रोड्यूसर हो। अमर सिंह जी, समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप ऐसी एक्टिंग करेंगे तो आपको कौन कास्ट करेगा भाई? बड़े भैया, मार्केट में एक नया डायरेक्टर आया है, उन नए नए लोगों को चांस दे रहा है, एक नए सिंगर को चांस दिया है, स्टैंड अप को चांस दिया है, एक नेता को तो चांस दे देगा। बड़े भैया, अरे कौन है वो? सामने बैठा है वो बदमाश, कंपनी बनाया है बदमाश कंपनी, परमेश शेट्टी। परमेश भाई, पार्ट टू के लिए हमारे बारे में क्या ख्याल है? अर्चना, क्या कहेंगी इस जोड़ी के बारे में? जिस तरह से अली और स्वप्निल ने इनको ललकारा, इन्होंने उसी तरह से जवाब दिया। अभी चैंपियन ने ललकारा और आपने ऐसा जवाब दिया, तो अभी तो बोथ द टीम्स हैव टू बैक अप। परमीत, आई मस्ट से कि आप लोगों ने अपना जो किरदार था वो बहुत बहुत अच्छी तरह से निभाया। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। चैंपियंस, तो देखें आप अब सूरज और वीआईपी को क्या स्कोर्स देते हैं। तो चैंपियंस के स्कोर्स आ चुके हैं दोस्तों, जोरदार तालियां एक बार फिर चैलेंजर्स सूरज और वीआईपी के लिए। आई लव यू क्या ले? बस बस, मेरा स्टाफ आ गया। शुक्र है किसी ने देखा नहीं साइकिल से उतरा हूं। अब कोई भी पूछेगा क्या तुम मर्सिडीज पे आया हूँ। तो 1.5 साल बाद आया हूँ अपने दूसरे घर, पता करूँ अंदर हो क्या रहा है। 7 जोड़ियाँ, 7 दमदार, 4 जबरदस्त चैंपियंस, 3 जोरदार चैलेंजर्स, लेकिन अब कोई एक चैलेंजर बनेगा चैंपियन। देखें चैंपियंस ने किसे चुना है अपने पास वाली कुर्सी पर बैठने के लिए। तो आज की हमारी वो चैलेंजर जोड़ी जो चैंपियन बनने वाली है वो है कपिल और नताशा। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां। हेलो
अगले हफ्ते चैलेंजर्स और चैंपियंस दिखाएंगे हंसी के नए रंग ओनली ऑन वोडाफोन प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.